कैसे आप लोग, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है रील्स गेमर। और आज मैं खेलने वाला हूँ माइनक्राफ्ट जावा एडिशन स्ट्रैंडेड मोड पे। कि आपने देखा ही होगा, डेजर्ट में हम फंस जाते हैं, एरोप्लेन क्रैश हो जाता है, उसमें पानी खाना और अपना टेम्परेचर होता है। तो चलिए खेलना शुरू करते हैं। ये मैं गया, ये देखिए मेरे वर्ल्ड का नाम क्या रखा है, ब्लू आईज हिप्नोटाइज। भाई ये आई नीचे, और ये रहा अपना फोर एवर स्ट्रैंडेड, और इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद मैं मिलूंगा आपको, ठीक है गाइज? तो गाइज ये हो चुका है अपना ओपन, और अभी देखिए ये मूव WASD जंप स्पेस ये आ गया है। और इस चेस्ट में इतना सामान है, इसमें से ये बुक निकाल लेता हूँ। अच्छी होगी भाई, कुछ तो करेंगे, काम की होगी। ठीक है तो इसमें अब पढ़ते हैं क्या है। भाई ये किधर से शुरू हो गया भाई, मैंने पिछली बार उसको देखा था तो ऐसा नहीं था। ओ गाइज मैं किसी की वीडियो देख के नहीं आया हूँ, बस इसको डाउनलोड करके डायरेक्ट आ गया हूँ, तो मेरे को इतना पता नहीं है। तो मैं अभी वीडियो कट कट करके मैं क्राफ्टिंग रेसिपी देख के कुछ सीख के करूँगा, और ना ही मैं किसी की वीडियो देखूँगा, ठीक है गाइस? तो अब चलिए इसको कर लिया है, और ये टूल्स में देख लेते हैं, ये टूल्स कैसे रिपेयर होंगे। ओ भाई यार ये सब हमको नहीं चाहिए, हमको तो वो बताओ जो स्टार्टिंग में करते हैं, जो कि इसमें नहीं है। तो भाई वैसे भी अपन इंडियन जो ठहरे, इतनी इंग्लिश अपन पढ़ते नहीं, लेकिन मैं इंग्लिश में प्रो हूँ, लेकिन हैकर नहीं हूँ भाई। तो चलिए अभी रात हो रही है, और इस गेम की मैं डिफिकल्टी भाई मैंने सेट नहीं की, आपके सामने मैंने वर्ल्ड लगाया है। तो भाई आप ये मत कहना कि मैंने पीसफुल लगा लिया है। हाँ, और अगले एपिसोड या उससे अगले में इसको बदल दूंगा, क्योंकि अभी तो गेम ने दिया है तो भाई उसका कुछ कारण होगा, ठीक है? तो मैं बोट तोड़ लेता हूँ, वैसे भी मोब तो आने नहीं है। तो भाई तोड़ो तोड़ो तोड़ो, चॉप 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 चॉप, बुड करोगे चॉप 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 चॉप। भाई ये बुड को चॉप कर लिया है, और मैंने कुछ पढ़ा था इसके बारे में, मतलब पढ़ा नहीं था भाई, मैं पिछली बार खेल रहा था तो रेसिपी मिली, मैंने उसको बना के लीप को झड़ाया, तो मेरे को कुछ मिला था, तो इस बार भी मैं वैसे ही करके देखूं। भाई ये गेट मेरे को बहुत खराब लगता है। हाँ तो भाई ये मैं आ गया हूँ, इधर से क्राफ्टिंग टेबल में बना लेते हैं, वो स्टिक से कुछ बनता है। तो भाई ये मैंने बना लिया है गाइस, देखिए बिल्कुल है ना जावा एडिशन, ये देखिए भाई अब स्टिक बना लेते हैं, ये 8 स्टिक ठीक है भाई, लग रहा है ना आपको जावा एडिशन? हाँ भाई कमेंट में लिख दीजिए। तो भाई ऐसे तो कुछ नहीं बन रहा, तो कैसे बनेगा? और ये मैं सील की तरह बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे भी नहीं बन रहा। तो भाई फिर बनेगा कैसे ये? तो भाई इसके बारे में कुछ देखना पड़ेगा, इधर भी नहीं है, इधर भाई इसमें इधर क्राफ्टिंग रेसिपी नहीं बताते, ये उसको बगल में बताते हैं। भाई ये मेरे को इसकी सबसे बुरी बात लगी, भाई इसमें ये सामान है, तो भाई मैंने देख लिया ये है, इसको इधर रखेंगे, ऐसा फैला देंगे रायता, और ये ऐसे बन गया फाइनली गाइज, फाइनली हमने बना लिया था। क्या हुआ, क्यों हुआ? और ये भाई हमने बना लिया है, चलिए अब इससे लीव को झाड़ते हैं, और ये मैंने फेंक दिया। और भाई ये पीसफुल में टेम्परेचर और वाटर की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और ये कितनी ये सैपलिंग डाली है, लेकिन मैं इसको तोड़ूंगा, और भाई कुछ मिले तो अच्छा है। और भाई अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला, ये लास्ट है, इसको तोड़ने पर भी कुछ नहीं मिला। मैं इधर घूम के, ओ भाई मिल गया सिल्क बॉम, ये सिल्क बॉम। अब भाई इस सैपलिंग को बड़ा होने देते हैं, तब तक अपन अंदर चलते हैं, ठीक है? तो भाई अंदर आ गए हैं हम, अब इस चेस्ट को खोलेंगे, इससे क्या निकालूं क्या करूं मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। और बोन मील निकाल लेंगे, पहले इस प्लैंक को रख लेते हैं।
तो भाई प्लैंक को रखने के बाद मैंने प्लैंक को फिर से निकाल के ये क्या किया। हाँ भाई मेरे को कुछ टेस्ट करना था तो मैंने वो टेस्ट कर लिया है गाइस, वो अच्छे से वर्क कर रहा है। भाई अगर आपको ये खेलना है तो मेरे को बता दीजिए। तो भाई ये इधर मैं रेसिपी देखता हूँ, कुछ तो होगा 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 कुछ तो होगा। तो भाई मैं बोन मील लेके बाहर आ गया हूँ। और भाई आपको ये स्क्रीन गड़बड़ लग रही होगी, ये थोड़ा सा मेरा रिकॉर्डर और भाई ये अपना है ना क्या कहते हैं इसको, एक्स रिकॉर्डर नहीं, काइन मास्टर, काइन मास्टर पर और एक्स रिकॉर्डर पर। और वैसे भी मैं 1.12.2 खेल रहा हूँ जावा एडिशन, तो वैसे भी आपको थोड़ा गड़बड़ लगा होगा। तो भाई अब ठीक हो गया ये गिलेच, तो मैं अब कैक्टस जमा करता हूँ। तो भाई आपको मजा ना आ रहा हो तो मैं गाना लगा दूं क्या, और फास्ट कर देता हूँ, तो भाई आपको मजा आएगा। और भाई प्लीज एंड तक देखिए भाई। और भाई मैंने न्यू शुरुआत की है अपने चैनल की, पुरानी वीडियो तो मैंने ऐसे ही छोड़ दी। तो भाई ये वीडियो आपको लगभग 3 या 4 3 या 4 जनवरी को मिलेगा, बट इसको एडिट में 2 जनवरी को और इसको बनाया अभी मैंने 2 जनवरी को है। तो भाई कल या परसों में मैं डाल दूंगा। तो भाई ये लगा दिया है, अब मैं क्या करता हूँ, हे हू ला 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 हू हो गा ला ला हो। और भाई कुछ तो हो नहीं रहा और इसमें हो गया और ये पानी बनने लगा है बड़ा बड़ा बड़ा। भाई मैं क्या बोल रहा हूँ। तो भाई अच्छा मैं गाना लगा देता हूँ। भाई अब मैंने अपनी फास्ट फॉरवर्ड को कम कर दिया है। तो भाई अब मैं डर्ट बना रहा हूँ, चलिए डर्ट बनाने लगते हैं और बनाते हैं। और भाई मेरे को कुछ सिल्क वॉर्म और मिले थे तो मैंने उनसे स्ट्रिंग कर ली है और से अपनी। भाई कुछ नहीं है, चल गए अब डर्ट बनाते हैं। भाई मेरे को एक बात समझ नहीं आ रही, कैक्टस डाल रहा हूँ ये डर्ट किधर से आ रही है, और इधर के एक्टर्स डाल रहा हूँ तो ये लीफ जैसे बन रही हो। अब क्या करना है इसमें, कुछ नहीं। तो गाइज बैकग्राउंड म्यूजिक आपको सुनाई दे रहा होगा, ये बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को। और भाई इसके बाद एक और खतरनाक म्यूजिक है जो मैं अब लगा रहा हूँ। तो भाई ये लगा दिया है अब मैंने बैकग्राउंड म्यूजिक, और अब मेरे को पता चला है कि नो डट रखने से एक
कंप्रेस डर्ट बनती है, जिसको अपन उसे क्या कहते हैं, उसमें रख के अपन उससे सामान निकाल सकते हैं। तो भाई अगर ये जवा एडिशन ना होता तो मेरा क्या होता, फिर से स्क्रीन भद्दी होने लगी। भाई अभी भी नहीं हो रहा, इतना तो मैंने पढ़ा था कि ये करना है, अब क्या करूं। ओ भाई मैं समझा, अभी स्ट्रिंग का भी एक बनेगा छन्ना और आप सारे लोग खा लो गन्ना, बजाओ ताली। तो भाई ऐसे होता है। और भाई कितना मटेरियल गिर रहा है, कितना मटेरियल गिर रहा है, मैंने तो सोची ना थी भाई। तो भाई जोगिंदर तेरे, मैंने तेरी कौन से एक गाने पे रोस्ट मारा था, हाँ वो वंडर पर, उसके बाद तेरा भूचाल आया और शायद से तेरा अब एक और आ रहा है या आ चुका है, मेरे को पता नहीं। लेकिन भाई अब मैं रोस्ट बंद कर देता हूँ, क्योंकि उस रोस्ट पे इतना व्यू नहीं आया और किसी को मज़ा नहीं आया, मैं रोस्टर अच्छा नहीं बन पाया गाइस, माफ़ कर दीजिए। अब बैकग्राउंड म्यूजिक हट चुका है और अब मेरी पर्सनली आवाज़ आ रही है। तो भाई इतना सब मिला है, और भाई इस वीडियो में मेहनत भी बहुत लगी है, मैं वॉइस देते देते थक गया भाई सच में। आप भी वीडियो बनाते हो, जो यूट्यूबर होंगे उनको पता होगा भाई कितनी मेहनत लगती, आप भी बनाते हो, आप भी मेहनत करते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अकेला मेहनत करता हूँ। भाई ये देखिए कंप्रेस डाट, अब मैं और कर रहा हूँ, मैंने उतनी वीडियो कट कर दी, मैंने बहुत कुछ किया भाई, मेरे को पता ही नहीं चला कब वीडियो पूरी होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।